नमस्कार, आज हम देखेंगे कि कैसे गणित के टॉपिक जैसे कि HCF या LCM हम खेल खेल में मोतियों की माला से भी बड़ी सरलता से सीख सकते हैं। आइए चलते हैं। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, हमारे पास एक सफ़ेद मोतियों की माला है। हमने इस पर चार का पहाड़ा दर्शाने के लिए हर चौथी बीट पर एक क्लचर का प्रयोग किया है। उसके बाद पाँच, छः, सात और आठवीं बीट पर फिर से एक क्लचर का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से नौ, दस, ग्यारह, बारहवीं बीट पर, सोलहवीं बीट पर, बीसवीं बीट पर, चौबीसवीं बीट पर हमने रंग बिरंगे क्लचर्स का प्रयोग किया है। ऐसे ही हम एक और माला लेते हैं और इसके बराबर रखते हैं। यहाँ हमने छः का पहाड़ा दर्शाया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छःवीं बीट पर पहला क्लचर, इसी प्रकार से बारहवीं बीट पर दूसरा क्लचर, अठारहवीं बीट पर तीसरा क्लचर और चौबीसवीं बीट पर चौथा क्लचर हमने यहाँ पर रखा है। यदि हम इन दोनों मालाओं को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ ये दोनों क्लचर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। ये है बारहवां क्लचर यहाँ भी और यहाँ भी, और ये है चौबीसवां क्लचर जिस पर दोनों मालाओं पर चौबीसवीं बीट पर क्लचर आया है। इसका अर्थ ये है कि चार और छः इन दोनों संख्याओं का जो सबसे सांझे गुणज हैं वे हैं 12 और 24। ये हैं इनके सांझे गुणज, और यदि हमें निकालना हो इनका सबसे छोटा सांझा गुणज जिसे कि हम लघुत्तम कहते हैं तो वह होगा 12। देखा आपने, एक छोटी सी क्रिया से हमने दो संख्याओं का LCM यानी कि लघुत्तम इन मालाओं के मोतियों के द्वारा ही ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से आप और भी कई सारी संख्याओं को मालाओं के बीट्स के जरिए क्लचर लगा के आपस में उनका कंपेयर करके हम उनका लघुत्तम ज्ञात कर सकते हैं।